कपूरथला गुरुद्वारे में निहंग सिख की गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी की मौत, 3 घायल। पुलिस ने सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया है। साथ ही इस हमले में कितने लोग शामिल हैं, इसकी जांच भी कर रही है। पंजाब के कपूरथला में एक गुरुद्वारे में निहंग सिख द्वारा की गई गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अधिकारियों के अनुसार यह झड़प गुरुद्वारे पर अपना अधिकार जताने को लेकर शुरू हुई थी। पुलिस ने सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया है। रेलवे के इस ब्रिज को उड़ाने की नक्सलियों थी प्लानिंग। जवानों ने आईडी बम डिफ्यूज कर फेरा पानी। अंतागढ़ क्षेत्र के ग्राम कोसरोड़ा के पास बुधवार को रावघाट रेलवे परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन रेलवे पुल में 3 किलो प्रेशर कुकर बम नक्सलियों ने लगाया दिया था। यहां की सुरक्षा में एसएसपी और डीआरजी के जवान तैनात है। सर्चिंग के दौरान उनकी नज़र आईईडी बम से जुड़े वायर पर पड़ी। इसके बाद इलाके की सर्चिंग करने पर 3 किलो का आईईडी बम जमीन में दबा हुआ मिला। नक्सलियों के मंसूबों पर सुरक्षा बल के जवानों ने पानी फेर दिया है। नक्सली रेलवे लाइन के लिए बन रहे ब्रिज में आईईडी बम लगाकर उसे उड़ाने की प्लानिंग कर रहे थे। इस बीच जवानों की सूझबूझ और समझदारी से इस बम को मौके पर निष्क्रिय कर एक बड़ी घटना से बचा लिया गया है। दरअसल उत्तर बस्तर के कांकेर जिले में रावघाट परियोजना का काम जारी है। परियोजना के लिए रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा है। नक्सली इस परियोजना का लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। नक्सली चाहते हैं कि इस परियोजना का विस्तार नहीं हो, इसलिए आए दिन इन इलाकों में कुछ न कुछ नक्सल गतिविधियों अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। उत्तराखंड टनल मामला। मजदूरों के जल्द निकलने की उम्मीद। दिल्ली से पहुंची विशेषज्ञों की टीम उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में 12 दिनों से फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। रात भर ऑगर मशीन से खुदाई चली, जिसमें 45 मीटर हॉरिजॉन्टल खुदाई के बाद लोहे का एक सरिया आ गया, जिससे ड्रिलिंग में रुकावट पैदा हो गई। लेकिन अब इस रुकावट को दूर कर लिया गया है। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में 12 दिनों से फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। रात भर ऑगर मशीन से खुदाई चली, जिसमें 45 मीटर हॉरिजॉन्टल खुदाई के बाद लोहे का एक सरिया आ गया, जिससे ड्रिलिंग में रुकावट पैदा हो गई। लेकिन अब इस रुकावट को दूर कर लिया गया है।